विवेकवान श्रावक होता है जो ऐसा नहीं कहता, अरे आप ही ने तो मना किया था इसलिए नहीं गया हूं मैं, ऐसा आप जैसे तो डाल दोगे सीधे, आप ही ने तो कहा था इसीलिए तो हम नहीं गए। विवेकवान श्रावक थे, बस आचार्य भगवान भाव और हो गए कि एक दिन रुक जाते। आचार्य श्री ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। अब सुनना, आधे घंटे बाद मैसेज आया कि जिस गाड़ी से वो जा रहे थे उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो गाड़ी पलट गई। विचार करना, वो गाड़ी पलट गई और जिस स्थिति में वो पलटी है, जिसमें जिस स्थिति में वो पलटी है, उस स्थिति से ये स्पष्ट है कि जो लोग थे उनकी तो स्थिति खराब हुई, उनके साथ तो गलत हुआ ही हुआ, लेकिन निश्चित तौर से उस जिस गाड़ी से वो बैठ के जा रहे थे उसमें बैनाड़ा जी भी जा रहे थे। अब कुछ दिखा होगा पूज्य गुरुदेव को, तब तो उनने कहा कि आज और अभी जाना जरूरी है क्या, उनकी जान बच गई। गुरु ने कहा है मान लो, कोई किंतु नहीं कोई परंतु नहीं, आप कह रहे हो तो बात खत्म, आपके आगे मेरी कुछ नहीं चलना है, क्योंकि आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो पंच परमेष्ठी में, आप तो गुरु हैं मेरे, आप तो आप नहीं तो पंच, आपने जो रास्ता दिखाया है वो मैं नहीं मानूंगा तो फिर कौन मानेगा। एकदम सत्य घटना आपके बीच में मैंने बैनाड़ा जी की रखी, जो उनने सुनाई और मैंने आपके बीच में रख दी कि देखो ऐसा होता है गुरु के सामने कभी नहीं नहीं, वो अगर इशारा भी कर रहे हैं वो बोलते नहीं हैं, वो सिर्फ इशारे में कहते हैं, अगर हम उनके इशारे को नहीं समझ पाए तो। इसलिए ध्यान रखना, गुरु चरणों में कभी नहीं नहीं बोलना, उनने कह दिया है ऐसा कर ले वैसा कर लो, बस कर लो, करते चले जाओ श्रद्धा भाव के साथ, आस्था भाव के साथ, श्रद्धा भाव के साथ। मैंने एक अल्लू भाई हैं बामोरा में, अल्लू भाई आते हैं हर दो महीने में आते हैं, कल की वो लोग जो आए थे बामोरा वाले, उन्होंने यही बोला, बोले बहुत स्थिति परिस्थिति से जूझ रहे थे वो, अनेक प्रकार की श्रावकों को समस्याएं आ जाती है, घर में रहते हैं तो समस्याएं तो आती हैगी, उन सब समस्याओं के बीच में अपने आप को अपने जीवन को जीना, अनेक कर्जे आदि और भी तकलीफ कष्ट पीड़ा। वो मेरे पास रोते रोते आए पति पत्नी दोनों भामोड़ा चतुर्मास में, और रोते रोते उन्होंने एक ही बात बोली, गुरुदेव हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत पीड़ा में हैं, हम अपनी स्थिति क्या बताएं, कहाँ तो हम शिखर पर थे और कहाँ हम कहाँ आ गए, अब आप कोई तो रास्ता बताओ। श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ और बिल्कुल विश्वास के साथ चरणों में बैठकर उन्होंने जब ये निवेदन किया, जहाँ आस्था होती है, जहाँ विश्वास होता है, जहाँ श्रद्धा होती है, जहाँ उनको लगता है कि ये मेरे भगवान है, ये मुझसे जो बोलेंगे मैं वो करूँगा, मैंने कुछ चीज़ें बताई, मैंने कहा आपको ऐसा ऐसा करना है, इस प्रकार से आपको करना है, श्रद्धा और आस्था के साथ उन्होंने वो सब बातें, जैसा मैंने बोला महाराज आप जो बोल रहे हो उसमें कोई किंतु नहीं कोई परंतु नहीं, बिल्कुल चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी प्राण बाद में, सब कुछ बाद में, पर मेरे प्राण चले जाएंगे, पर जो आपने कहा है वो कभी भी नहीं नहीं होगा, उन्होंने सब बात मानी। कल ही वो आए थे, बोले महाराज जी क्या आशीर्वाद आपका फला है, सब कुछ अच्छा हो गया है, सब कुछ कर्जे निपट गए, जो जो विकल्प जो जो टेंशन थे सब समाप्त हो गए, आपके वचन से साल भर में ठीक हो जाएगा, वो पहले ही सब कुछ व्यवस्थित हो गया उनका। मैंने कहा मैंने नहीं किया व्यवस्थित, उनकी मुझ पर विश्वास था, श्रद्धा थी, आस्था थी कि गुरु ने कहा है, गुरु मुख से निकला है तो गुरुदेव कह रहे हैं तो उसको मानना है, उन्होंने माना और उनका भला हो गया। होना चाहिए विश्वास, होना चाहिए अंदर से आस्था, होना चाहिए अंदर से श्रद्धा कि हाँ मेरे आराध्य मुझसे कह रहे हैं तो मुझे करना है। इतनी आराधना में पक्के आप होगे तब कहीं जाकर आपका भला हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। एकदम सत्य घटना, एकदम रियल घटना आपके बीच में रख रहा हूँ। तो क्या करना, नियम ले लो, गुरु के समक्ष कभी नहीं नहीं बोलना, जो बोल दिया सो बोल दिया। कल बच्चों से बोला फास्ट फूड का त्याग, तो बच्चों ने कहा ठीक है, कर दिया नहीं करा, कर दिया नहीं नहीं तो ऐसा तो नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। कि अब दूसरा सुन लो, कहाँ नहीं नहीं बोलना है, पांच स्थानों पर नहीं की बात है। कि दूसरा, उपकारी बड़ों के लिए कहे गए वचनों के लिए कभी नहीं, कौन बड़े, घर के माता पिता शिक्षा गुरु जो होते हैं उनके लिए कभी नहीं नहीं बोलना। अरे उनने तो हमें सब कुछ यहाँ तक पहुँचाया, उनके समक्ष हम नहीं बोल रहे हैं, किसके समक्ष नहीं बोल रहे हैं, विचार तो करो आप। अरे जो हमारे प्रदाता हैं जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है, उनने जो कहा हमें मानना है, उनका अनुभव है, उन्होंने बाल ऐसी सफ़ेद नहीं कर लिए बड़ों के समक्ष, और बड़ों में भी जो उपकारी है उनके समक्ष कभी नहीं नहीं बोलना, कभी मना मत करना, कभी किंतु परंतु मत करना। किसके समक्ष नहीं नहीं करना है, जो उपकारी हैं, जो घर के बड़े सदस्य, और सबसे ज़्यादा नहीं आप कहाँ करते हो, अपने बड़ों के आगे,
बड़ों से बहुत जल्दी आप नहीं बोल देते हो कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, करते हो कि नहीं करते बताओ, नहीं बहुत बड़ा पाप कर रहे हो आप, वहाँ नहीं है, कभी नहीं निकलना चाहिए, तो समझना आपका जीवन बहुत महान और ऊंचा बन सकता है। तीसरा कहाँ, धर्म के लिए कभी नहीं को स्थान नहीं देना। धर्म के लिए मतलब, धर्म के लिए मतलब त्याग है, तप है, नियम है, अभिषेक है, पूजन है, भक्ति है। जब मौका मिले वहाँ नहीं नहीं होना चाहिए, मैं नहीं जाऊँगा मंदिर, मैं नहीं जाऊँगा प्रवचन सुनने, मैं नहीं जाऊँगा क्लास में, बिल्कुल नहीं। धर्म का मौका मिल रहा है कर लो, क्या पता कब और मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा कोई भरोसा नहीं है। पुण्य का संयोग है, मिल रहा उसका सदुपयोग कर लो, उससे और इकट्ठा कर लो, उससे ही आपके जीवन का कल्याण है। तो धर्म के कार्य में कभी नहीं नहीं बोलना। कहाँ से किस प्रकार से आपके लिए सब कुछ अनुकूलता बन जाएगी, नहीं है अनुकूलता तब भी अनुकूलता आपकी अपने आप आ जाएगी। तीन स्थान हो गए, गुरु के समक्ष, उपकारी के समक्ष और धर्म के लिए नहीं नहीं बोलना। चौथा, दया और करुणा के लिए कभी नहीं स्थान मत देना। जहाँ भी लगता है ये दया वाली बात है, करुणा वाली बात है, उस सेवा वाली, उस दया और करुणा के लिए कभी नहीं को स्थान मत देना, नहीं बिल्कुल नहीं। हमें लगता है कि यहाँ दया हो रही है, यहाँ करुणा का कार्य हो रहा है, तो उस दया और करुणा में हमेशा तैयार रहना, हमेशा आगे रखना, वहाँ नहीं को स्थान कभी मत देना। और पाँचवा, सेवा और भैयावृत्ति कभी भी मिले, कहीं भी मिले, उसमें नहीं को स्थान मत देना। अरे कहाँ भैया, मेरे खुद के हाथ पर दर्द कर रहे हैं, अरे तुम्हारा दर्द तुम्हारी पीड़ा दूर हो जाएगी सेवा करने से, भैयावृत्ति करने से। ध्यान रखना, मिले मौका नहीं नहीं बोलना, नहीं करना है, मेरी सामर्थ्य नहीं है तब भी करना, तब भी करना, पर करना है सेवा वैयावृत्ति हमें। तो सेवा और वैयावृत्ति का अगर लाभ मिल रहा है, जरूरी कि साधु की सेवा वैयावृत्ति होगी, नहीं, अगर घर में हमारे बड़े सदस्य हैं उनकी वैयावृत्ति, उनकी सेवा भी कर कर हम अपना कल्याण कर सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा, वहाँ नहीं नहीं होना। तो पांच स्थानों पर मैंने आपसे कहा है कहाँ कहाँ पर नहीं नहीं होना, बताओ कहाँ कहाँ पर। सबसे पहली कहाँ पर, गुरु, याद करो गुरु के समक्ष। दूसरा, उपकारी के समक्ष। तीसरा, धर्म के लिए। चौथा, दया और करुणा का भाव जहाँ पर आ रहा है वहाँ के लिए। और पांचवा, सेवा और वैयावृत्ति। बस इन पांच स्थानों में नहीं नहीं बोलना। अगर नहीं बोलोगे तो ध्यान रखना आपका जीवन नकारात्मक बन जाएगा। वो आपका जीवन अगर आप अच्छा बनाना चाहते हो, इन स्थानों में नहीं के इस वृक्ष को अपने जीवन में कभी उगने मत दो। ए वनगांव वालों, ये वन लगाओ ही मत। नहीं का वन, नहीं का पेड़, नहीं का वृक्ष अपने जीवन में लगाओ मत। अगर नहीं लगाओगे तो बहुत अच्छी बात है, हमेशा क्या कहो गुरुजी का, वो कहते ना हाओ, गुरुजी का हाओ। बस हर अच्छे और सच्चे कार्य के लिए आप उस हाओ को बोलो, और बोलते तो जाओ गुरुजी का, वो हाओ बोलते चले जाओगे तो निश्चित जीवन बहुत अच्छा, उत्कृष्ट और महान बनता चला जाएगा। लेकिन करना पड़ेगा आपको उस हाओ का उपयोग। जब तक आपका वो हाओ आपके जीवन में नहीं आएगा तो नहीं आएगा। और अगला अपना क्या है, अगला अपना कौन सा है कि गाली और कटुवाणी के वन नहीं, हमारे जीवन के वन को पुष्पित और पल्लवित नहीं होने दिया। लेकिन अपना समय हो रहा है तो इस गाली और कटुवाणी क्या कहलाती है, और कैसे उस गाली और कटुवाणी से आपके कर्मों का बंध होता चला जाता है, आप समझ नहीं पाते कि मैंने क्या बोल दिया। आपको नहीं पता वो गाली हो गई है जो आपने बोल दिया, वो कटुवाणी हो गई है जो आपने बोल दिया। तो गाली और कटुवाणी किस प्रकार की होती है, इस पर अपन कल चर्चा करेंगे। आचार्य भगवान का संस्मरण बहुत दिनों से छूट रहा है, आज आचार्य भगवान के उस संस्मरण को सुनाकर अपनी बात को मैं विराम दूंगा। आचार्य भगवान का एक बहुत पुराना संस्मरण आपको सुना रहा हूँ कि महामनुष्यों की जो बुद्धि होती है पदार्थगत ना होकर मूल अर्थ की होती है। वस्तु के बिना भी अर्थपूर्ण कार्य की क्षमता रखने वाले वे दिव्य मनीषी भगवंत हमारे आचार्य श्री जी थे। एक बार शाम को क्या हुआ कि डॉक्टर अमरनाथ जी सागर वाले थे, अगर किसी ने देखा हो उनको तो, अमरनाथ जी सागर जिन्होंने पूरे भाग्य दे के मुख्य कर्ता ये मान के चले, मेन फाउंडेशन वही थे, फाउंडेशन मेंबर वही थे, फाउंडर मेंबर वही थे। और वो अरविंद सिंघई एक नेत्र चिकित्सक थे, उनके साथ वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने कहा आचार्य भगवान डॉक्टर साहब आएँ, आपकी आँख देखना चाहते हैं। तो जैसे ही उन्होंने कहा
तो अचय श्री ने कहा मेरा तो अच्छे से काम चल रहा है, चश्मा का नंबर वो जो आँखों का था वो तो एक आँख का 2.75 और एक आँख का 2.5 है, और ये अभी से नहीं है, जब मैं आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के साथ था 30-32 साल पहले तब मेरे आई फ्लू हो गया था, और उसी समय जो है उस समय का ये नंबर है, तब एक श्रावक ने चश्मा लाकर दिया था और तभी टेबल पर रखा था, पर उस वक्त हमने उसे ग्रहण नहीं किया, क्योंकि ग्रहण करना क्यों, मुझे दूर का देखना नहीं है और पास का मुझे अच्छे से दिखता है, बोले चार हाथ दूर का देखना नहीं मुझे, बोले दूर का ही नहीं दिखता है मुझे, पास का तो देखो, उन्होंने पुस्तक उठाई और पढ़ के बता दिया, बोले देखो मैं बहुत अच्छे से देख लेता हूँ, तो बोले फालतू चश्मा रखने से और चश्मे को परिग्रह को बांधने से फिर वो हर बार मेरे को लाओ भैया चश्मा लाओ, फिर एक को दूंगा ले भैया पोस दे, फिर उसकी ढक्कन रखो, फिर कपड़ा रखो, सब रखो, बोले मुझसे तो नहीं होगा, मेरे मूलगुण तो अभी अच्छे से पल रहे हैं, फिर क्यों विकल्प करूं मैं चश्मा रखने का, और बोले सबसे बड़ी बात तो जिनको बहुत पढ़ने की आकुलता हो वो चश्मा रखे, मुझे पढ़ने की आकुलता नहीं है, मैं तो थोड़ा पढ़ता हूँ और उस पर चिंतन कर लेता हूँ, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पढ़ने से सम्यक दर्शन नहीं आया है आगम में, आगम में देशना लब्धि से संवर दर्शन आया है, तो देशना लब्धि है हमारे पास, देशना लब्धि के माध्यम से ही सम्यक दर्शन होता चला जाएगा, और उन्होंने कहा कि बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने क्या किया है, वो लिखते नहीं थे, लिखाते थे, स्वयं चिंतन करके लिखाते थे, चाहे जिनेन जी हो, चाहे उन्होंने एक और नाम लिया कि पंडित सुखलाल जी प्रज्ञा चक्षु थे, मतलब उनकी आंखें ही नहीं थी, श्वेतांबर थे वो विद्वान, उनकी आंखें नहीं थी लेकिन उनका चिंतन ऐसा था, वो चिंतन करते थे और चिंतन कराने के बाद लिखाते चले जाते थे, इसलिए भैया चश्मे की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, हम तो आपसे क्षमा चाहते हैं, आप आए जरूर लेकिन देखने की जरूरत नहीं। फिर आचार्य श्री जी ने क्या कहा, आचार्य श्री ने कहा अमेरिका के एक डॉक्टर्स ने एक बहुत बड़ा लेख लिखा था, सुन लो चश्मे वालों क्या लिखा उस लेख में, आचार्य श्री ने कहा था कि नींबू की एक एक दो दुबोंग आँख में डालने से सब रोग ठीक हो जाते हैं, मोतियाबिंद जैसा रोग भी समाप्त तो हो जाता है नींबू के रस के डालने से, स्वर्ण को रखने वाले पागल हो सकते हैं लेकिन नींबू को खाने वाले से उनका पागलपन दूर ठीक हो जाता है, ऐसा वो नींबू का रस है। आचार्य श्री को आखिरी इंदौर में भी रेती में थे, दो बूंद नींबू का रस डालते थे, उस रस डालने से थोड़ी तकलीफ जरूर होती लेकिन आँख का जितना विकार है वो सब निकल जाता है, तो बोले बस ऐसी चीज़ें हमारे पास हैं, हम इससे अपना जीवन निकाल लेंगे लेकिन आपका चश्मा हम नहीं रखेंगे, और नहीं तो आप तो थोड़े से मैं चश्मा रख लेते हो। तो आचार्य श्री के लिए बहुत अच्छी लाइन है ये, क्या उपयोगी है मुझे क्या है मुझे विशेष, ज्ञानी निज को देखता बाकी सब निश्चेष, मुझे निज को देखना है, बाहर नहीं देखना है, निज को देखने के लिए चश्मे की आवश्यकता नहीं है, ये चश्मा तो परिग्रह है, उन्होंने परिग्रह रूप मानकर उस चश्मे को स्वीकार नहीं किया, ऐसी सूक्ष्म दृष्टि हमारी भी हो जाएगी तो निश्चित हमारा जीवन उत्कृष्ट और महान बन जाएगा, हम भी उनके जैसे बने, इसी भावना से आचार्य पंडित विद्या सागर जी महामुनि राज की वन गांव पर अपनी चर्चा चल रही है, और वन गांव की व्याख्या हम कर रहे हैं, और वन गांव की व्याख्या करते हुए हमने बात रखी थी, वन गांव का वह कह रहा है कि वहम और शंका के वन नहीं, जीवन के उपवन को पुष्पित और पल्लवित नहीं होने दिया है, न कह रहा है नहीं और नकारात्मकता के वन नहीं, जीवन के उपवन को पुष्पित और पल्लवित नहीं होने दिया है, और गा कह रहा है कि गाली और कटुवाणी के वन नहीं, जीवन के उपवन को पुष्पित पल्लवित नहीं होने दिया है, और वह कह रहा है वशीकरण और मोह के वन नहीं, जीवन के उपवन को पुष्पित पल्लवित नहीं होने दिया है। इस पर अपनी कल चर्चा चली थी नहीं के ऊपर, और हमने नहीं में आपको बहुत सारी बातें कल करी थी, और आज कर रहे हैं बात अपन काय की, गा से मतलब क्या, गा से मतलब गाली और कटुवाणी, गाली और कटुवाणी के वन नहीं, जीवन के उपवन को पुष्पित और पल्लवित नहीं होने दिया। आज तक जो भी ऊपर की यात्रा, उद्गमन की यात्रा, ऊंचाइयों को जिन्होंने छुआ है, उनके अंदर की वाणी की मिठास और वचनों की मधुरता से ही वो व्यक्तित्व ऊपर पहुंचा है। किसी भी व्यक्तित्व को आप उठाकर देखोगे
तो उसका जीवन उसकी वाणी से और उसकी वाणी की मधुरता से रहा है। आप देखें, अगर वास्तविकता में आपको बहुत आगे बढ़ना है तो आपकी वाणी में मिठास होना चाहिए। आपकी वाणी में मिठास है कि नहीं है ये विचार करना, क्योंकि एक बार अगर आपके मुख से जो निकल जाता है वो निकलना ऐसा होता है कि सामने वाले के साथ आपने क्या बोला आपको खुद को समझ नहीं आता है, लेकिन जब सामने वाले के लिए आप बोलते हो तो उसे लगता है कि इसने क्या बोल दिया और किस प्रकार से बोल दिया। ध्यान रखना, गाली की बात चल रही है तो गाली कभी पाप को नहीं गलाएगी, वो तो पाप को जमाएगी। गाली कभी पाप को गलाएगी नहीं, वो तो पाप को जमाएगी और पाप को मजबूत करेगी। गाली सहने से जरूर पाप गलेंगे और पाप धुलेंगे और पाप ढीले पड़ेंगे। गाली सहने से, गाली सुनने से पाप ढीले पड़ेंगे, पाप गलेंगे, पाप धुलेंगे, लेकिन ध्यान रखना गाली देने से नहीं। वो बहुत पुण्यशाली जीव हैं, वो बहुत कैसे जीव हैं, बहुत घने पुण्यशाली जीव हैं जिसे गाली सुनने के बाद भी सामने वाले से गलानी ना हो। वो बहुत पुण्यशाली जीव हैं जिसे जो गाली सुनने के बाद भी सामने वाले से गलानी ना हो और उसके बाद जो प्रेम वात्सल्य इसने के लिए फिर भी वो तैयार रहें, वो तो ये मान के चलना, मैं बार बार बोलता हूं, वो चलता फिरता भगवान है। बहुत बहुत ऊंची चीज है कि गाली के बाद भी गलानी नहीं, अंदर से प्रेम, अंदर से वात्सल्य, अंदर से स्नेह निकल रहा है। क्या छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। आप भगवान बनना चाहते हैं, भगवान बन सकते हैं आप। वहीं बैठे बैठे भगवान की उपमा आपके अंदर आ सकती, वो प्रतिभा आपके अंदर आ सकती, पर कब? जब इतनी क्षमता हो कि गाली सुनने के बाद भी प्रेम और वात्सल्य स्नेह की दौड़ से हम सबको बांधते चले जाएं, तब वो क्षमता आपके अंदर आएगी। गाली पुण्य को गलाती है और पाप को बढ़ाती है, तो फिर आपके मुख से वो अपशब्द क्यों निकलते हैं? बताओ, वो अपशब्द का प्रयोग आप क्यों करते हो? जिन अपशब्दों से निश्चित मान के चलना वो पाप जमता चला जाता है, वो अपशब्द ना हो तो बहुत अच्छी बात है। और बताओ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो अपशब्द का प्रयोग कितने लोग करते हैं? करत हैं तो क्यों करत हैं? जब करत हो उससे आपके संबंध बहुत अच्छे बन जाते हैं क्या? नहीं बनते। उन अपशब्दों के माध्यम से संबंध तो टूटने ही हैं, फूटने ही हैं, तो फिर क्यों उन अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हो? अरे, जिन शब्दों से पुण्य घटता है, शत्रुता बढ़ती है, बेर का दामन ही हाथ लगता है, अपनत्व ही छूटता चला जाता है, फिर उन अपशब्द को हमारे जीवन में हम क्यों रखे हैं? बताओ ना।